जानसू, जरूरी नहीं होता कि अपने प्यार को साबित करने के लिए ये सब कुछ किया जाए। असगर एज़की के लिए जज्बात रखता है, सरदार को पता चल गया होगा, और ये सब एज़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है वो। तो क्या गलत है इसमें? प्यार में जलन तो हो ही जाती है, अगर मैं भी इसकी जगह होती तो यही करती। इसकी अम्मी ने ही कहा था, कहा था कि कोई डॉक्टर है जो एज़की को पसंद करता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी अम्मी को। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी माँ ने हमसे झूठ बोला कि तुम उस डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में हो। तो तुम असगर के साथ क्या कर रही हो, क्यों हो उसके साथ? हाँ, बताओ क्यों हो उसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करे मेरा, किसी के साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता और ना ही नाराज करना। तो ये बताइए कि उनसे शादी करेंगे? क्या कह रही हो तुम, चुप हो जाओ, भूल जाओ दूसरी शादी, सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मुझे कोई भाई बहन नहीं चाहिए। बहुत बुरा मनाने वाली बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो रेज़की भी आपको देखकर परेशान होती रहती है, काम का भी बर्डन होता है और आप गुस्से में जो कुछ इसे कहती हैं वो सब इसे हर्ट करता है। मेरी बेटी अब मजीद उस घर में नहीं रह सकती, अब तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, ये बात जहन में बिठा लो।